फास्ट फूड और इरेगुलर हैबिट्स सिर्फ मीनोपॉज में नहीं, अगर कोई यंग पर्सन भी खाता है तो उसको भी प्रॉब्लमेटिक देती है। इन्हें डिफरेंट बहुत उसके साइड इफेक्ट्स हैं, जो हार्ट के लिए भी है। ओबीज हो जाते हैं बहुत से लोग, ढंग से न्यूट्रिशन वाले डाइट नहीं आपको मिलती। आपने एक पिज्जा छोटा टुकड़ा खा लिया, साथ में एक पेप्सी ले लिया, कितना एक हेल्दी फूड है ये? नहीं, आपने सोचा ये लंच हो गया मेरा जो है। तो जैसे मैंने कहा कि एज है कि 30 इयर्स से बॉडी सब आपकी इरेगुलरिटीज को बर्दाश्त कर रही है, उसमें भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार कोई और कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन फिर भी बॉडी बर्दाश्त कर रही होती है। लेकिन उसकी एक सीमा है कि कब तक बॉडी इसको देखेगी। आप अगर सीनियर एज में अपने आप को अगर हेल्दी फूड हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं, तो आपकी जितनी भी ईश्वर ने जिंदगी दी है, जो 80 साल है या 90 साल, जितने भी आप जीते हैं, तो वो हेलन हार्ट ही आप स्पेंड करेंगे लाइफ को। एंड इस चीज में मैं शेयर करना चाहूंगी वन ऑफ द एग्जाम्पल, कि जब मैं अमेरिका में थी तो मैंने वहां देखा था, वहां टेनिस क्लब में, कि उस क्लब में ज्यादातर लेडीज जो थी सब 60+ में थी, सीनियर सिटीजन थे सारे जो है। उसमें कुछ लेडी 80 और 90 ईयर्स ओल्ड थी, एंड आई हैव सीन 90 ईयर्स ओल्ड लेडी जो टेनिस जो है वो खेल रही थी कोर्ट में, जो है इतने अच्छे स्ट्रोक कर रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि इस एज में जो मीनोपॉज कहते हैं कि भाई एज हमारी पूरी हो गई और ये है अब तो बीमारी बीमारी जो लगी रहेगी, यहाँ इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है कि दादी नानी बन गए तो भाई अब तो हमारे कुछ बीमारी लगेगी हमको, या हमारा तो अब तो बुढ़ापा आ गया तो ऐसा तो हेल्थ का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये फ्रेमवर्क जो है मेंटल से चेंज करने का एक अपना एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी एज है 80-90 है, आप बहुत हेल एंड हार्टी और बिल्कुल यंग की तरह वाइब्रेंट हो सकते हैं। बस अपने आप को अपने एटीट्यूड को चेंज करने का, थोड़ा न्यूट्रिशन का डाइट का और सब अपने हेल्थ का जो है कॉन्शियस होने का, कि अगर कोई जरा सी प्रॉब्लम है तो हम लोग कंसल्ट करेंगे डॉक्टर को और अपना उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेंगे। तो ये एक जो एटीट्यूड है उसको चेंज करने का है। बाकी मीनोपॉज का ये नहीं है कि मीनोपॉज हो गया तो अब एज पूरी हो गई, ओल्ड एज हो गया और आगे कोई हमारा फ्यूचर नहीं है, ये ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट।